हेलो दोस्तों, ये वीडियो खास उन लोग के लिए है जो मोबाइल सर्विस या कंप्यूटर सर्विस फील्ड में काम कर रहे हैं या उन जिनका शॉप है मोबाइल सर्विस या कंप्यूटर सर्विस फील्ड में। तो आजकल कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रहा है। यह जो वायरस है वो बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है, ठीक है। तो इससे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि आप अपने फेस पे मास्क लगा कर रखें और अपने हैंड में जो है ग्लव्स पहन के ही कस्टमर से डील करें, फेस टू फेस बात करें। दूसरा बात यह है कि आपने तो रिसीव कर लिया, और अब आता है मोबाइल का दूसरा पार्ट कि आप उसे कैसे रिपेयर करें। आपको उसे अपने हैंड में लेना ही होगा। अगर जो आदमी आपको मोबाइल दे गया है वो हो सके कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो, तो आप क्या कर इस हालात में आप करेंगे कि अपने अपने हैंड में जो अपने ग्लव्स को हमेशा पहन के रखना है, जिस चीज़ का हमेशा ध्यान रहे, और एक मोबाइल बनाने के बाद आप उस ग्लव्स को उतार के फेंक दें या उसे बाहर रख के डिस्ट्रॉय कर दें, आग लगा दें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस पर आपको ध्यान रखना है। साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। आपने अगर WHO का के बारे में सुना होगा तो उनके साइट पर भी है कि आपके हैंड को हमेशा रेगुलरली वॉश करना चाहिए, अपने फेस को वॉश करना चाहिए ताकि इससे आप बच सकें। तो हमें भी यही प्रिकॉशन लेना है। हम क्या करेंगे, अपने ग्लव्स अपने हाथ में ग्लव्स पहन के इस मोबाइल को इस तरह से रखेंगे, उल्टा करके रखेंगे, और जो आपके पास ये स्प्रे जो होता है, इस स्प्रे के अंदर जो है बहुत सारे केमिकल हैं। एक केमिकल इसमें एक्टिव चारकोल भी का कुछ कुछ मात्रा इसके अंदर है। तो आप क्या करेंगे, सबसे बेस्ट है कि आप अल्कोहल का यूज़ करें। अल्कोहल इस चीज़ को थोड़ा सा प्रिवेंट कर देता है। अगर आपके पास तत्काल में अल्कोहल नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसका भी यूज़ करें, और कुछ हद तक ये सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा। ये यूज़ करके आप इसे स्प्रे कर लें। स्प्रे करने के बाद थोड़ा देर छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आप इसे धीरे से क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद इसे इधर रख के आप इसे पलट लें। पलटने के बाद जो है आपके हाथ में जो है ग्लव्स होना ज़रूरी है। उसके बाद इस डिस्प्ले के ऊपर आप डायरेक्टली स्प्रे ना करें, ठीक है। आप क्या करें, इससे इस तरह फोल्ड कर लें और इसको पूरी तरह से इसको भिगा दें, स्प्रे कर लें इसके ऊपर, और फिर आप धीरे से इसकी सफाई करें, क्लीनिंग करें उसको। अल्कोहल के साथ भी आपको ऐसा ही करना है। अल्कोहल अगर है तो बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद जब क्लीन आप कर लें इसको अच्छे तरीके से, आपको जब ये महसूस होने लगे कि मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, तो फिर आप इसे छोड़ दें। अगर नहीं तो आप इसको अच्छे से क्लीन करें। मैं तो जल्दीबाजी में सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूँ कि कैसे क्या करें। उसके बाद आप अपने हाथ से उठा के खोल के जो भी इसके अंदर सर्विस करना है वो कर सकते हैं। देखिए, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, कोई फॉल्ट नहीं है। जैसे था मोबाइल हमारा वैसा ही है, और बस इसे हम क्या करेंगे, अच्छे सफाई। इसके बाद ये जो पार्टिकल है इसको आप ग्लव्स से लेके बाहर जाके डिस्ट्रॉय कर दें या इसमें आग लगा दें, ये सबसे बेस्ट है। इसके बाद इसे भी हम हटा देते हैं। और ध्यान रहे कि ग्लव्स आपको रेगुलर यूज़ करना है, और ग्लव्स बहुत तरह के आते हैं। एक जो आपको स्किन टाइप का जो ग्लव्स आता है, जो एक वन टाइम यूज़ के लिए आता है, उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद आप इसे यूज़ करके जला दें, ठीक है। उसके बाद आप इस मोबाइल को इजीली सर्विस कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसको क्लीन कर लें, वाटर से क्लीनिंग करें। आप जब भी क्लीन करें, अल्कोहल से करें या आपके पास ये है तो इससे करें, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है अल्कोहल। अगर अल्कोहल नहीं है तो इसका यूज़ करें। इससे आपको, मैं ये तो दावा नहीं कर सकता हूँ कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंट आएगा कि अब क्लीन है, मैं इसे आसानी से काम कर लूँ, और आप आत्मविश्वास से काम करेंगे। और बस मुझे यही बताना था आपको, और आप बेहतर जानते हैं क्या प्रिकॉशन लेना है। ये वीडियो इस चीज़ के लिए नहीं है कि आपको 100% प्रूफ है, बस ये इस चीज़ के लिए है कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, इसका खासा ध्यान रखें।